सिस्टम आज का हेयर और स्किन का सीक्रेट बता रहा हूं बेसिकली। सो फर्स्ट स्टेप है कि ये रोज वाटर है जो कि मैं कैरी कर सकती हूं हर जगह इसके लिए भरा है और पूरे फेस पे स्प्रे करूंगी। जब तक ये सूखना चाहे तब तक मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूं। तो दो टाइप का यूज करती हूं, एक है पैराशूट आप जैसे कि देख सकते हैं पैराशूट गोल्ड है जो है और दूसरा एंजल का। गाइस हमारे घर पे सारे लोग यही पैराशूट ऑयल यूज करते हैं। उसके बाद हमने आप देख सकते हो मैंने हेयर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और प्रॉपरली मैं उसकी नॉट्स निकालने वाली हूं जो कि मेरे हेयर से बहुत ज्यादा नॉट्स हो जाता है अगर मैंने थोड़ा सा भी हेयर खुला रखा। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने हेयर के एंड पे ये पैराशूट गोल्ड लगाया। गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कोई दूसरी चीज़ नहीं कि आप लोगों को इतने टाइम से मैं बोल रही थी पर आप लोग बोले नहीं आप करके बताओ एक बार वीडियो में। तो ठीक है आप लोग के लिए वीडियो लाया मेरा स्किन केयर और हेयर केयर का सीक्रेट और अभी आप लोग के सामने आ चुका था कोई सीक्रेट नहीं रहा। गाइस तो आप देख सकते हो अभी मैं इंदुले का लगाने वाली हूँ अपने स्कैल्प पे कि मेरे स्कैल्प से जो अंदर के अपने हेयर्स की ग्रोथ हो। तो ये इंदुले का फास्ट ग्रोथ करता है उससे इसके लिए मैंने स्कैल्प पे सिर्फ इंदुले का लगा नीचे यूज़ नहीं किया और प्रॉपरली उसका हेड पे मसाज करा जैसे कि देख सकते हो। थोड़ा पैराशूट भी मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गाइस इंदुले का तो अभी मैं 2 साल से लगा रही हूँ बट उसके पहले मैं पैराशूट ही लगाती थी लाइक स्कूल वगैरह में। मैं लाइक 10th स्टैंडर्ड तक गाइस लाइक मैंने मंडे ऑयल लगाया तो सैटरडे तक मेरे बाल पे ऑयल रहता था। तो 10th स्टैंडर्ड तक मैंने अपने हेयर्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहने दिया है। लाइक संडे को एक दिन धोती थी फिर वापस मंडे ऑयलिंग आता था। तो आप देख सकते हो वैसे इंदुले का लगा लगा के मैं अपने हेड पे मसाज कर रही हूँ गाइस। सो गाइस मैं कंघी कर रही थी क्योंकि मुझे लगा यार मैंने इतना कुछ निकाला वापस नॉट्स तो नहीं होगा करके एक साइड लाया है मैंने हेयर्स और वापस मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। मैं गाइस इतना ही ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ तो आप देखो मेरा भी हेयर लॉस होता ही है। सो आपको कुछ पता तो मुझे पता तो आप लोग को लगता है कि मेरा हेयर लॉस होता नहीं देखा। गाइस आप खुद ने वीडियो में देखा कि कितना हेयर लॉस हुआ है मेरा और मैं ऐसे ही ज़्यादा ही ऑयलिंग करती हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैं ऑयल लगा लगा के अपने हेड पर बहुत ज़्यादा मसाज करती हूँ और स्कैल्प से इंदुले का से बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो होता था मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोला। तो मैंने ट्राई किया था तो जो मेरे आगे से बाल टूट जाते थे तो उधर से मेरे को ग्रोथ आया है। सो आप देख सकते हो मैं इसे मसाज करती हूँ। कोई तो हल्के हल्के मसाज करने से ये होता है कि अपने हेड का सर्कुलेशन ग्रो रहता है ब्लड का वो फास्ट होता है हेयर ग्रोथ अच्छे से आता है। सो गाइस अभी मेरी मॉम मेरे हेयर्स बनाने वाली क्योंकि मुझे हाई चोटी चाहिए रहती है और बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए रहती है तो मेरी मॉम ही मुझे बना के देती है क्योंकि मैं अपने से हाथ से नहीं कर सकती हाई। सो लूज छोटी बिल्कुल नहीं हो सकता मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अगर लूज भी हो जाती है छोटी से मैं बार बार हेयर कॉम करवा के आती हूँ। सो आप देख सकते हो कि मेरे एकदम सिंड्रेला वाला सीन हो चुका है लाइक बाल खुला रखती हूँ तो मेरा एकदम लंबे बाल रखते हैं और बांधती तो एकदम छोटे से सिंड्रेला वाला सीन हो जाता है मेरे साथ आप देख सकते हो। सभी रोज़ वाटर जो स्प्रे किया था वो सूख चुका है गाइस। ये वाला बेबी लिप्स मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली मॉइस्चराइज करने के लिए। मैं बेबी लिप्स के ही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ या तो फिर वैसलिन यूज़ करती हूँ। और ये फेशियल मशीन है गाइस जो कि आपको बता रही हूँ ऑल इन वन मशीन आप पकड़ लो। सो आपके इक्विपमेंट्स बताती हूँ ये फेशियल के लिए इक्विपमेंट है गाइस और फिर ये है नी के लिए और हेड के लिए हेड के जो पॉइंट्स आते हैं ना उधर के लिए और फिर ये है नी के लिए ये भी और ये है हेड मसाज के लिए ठीक है जो यूज़ करते हैं हेयर ऑयलिंग के वक्त ये मसाज करने यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये है फेशियल के लिए सो की यूज़ होता है और ये मशीन है ठीक है उसके ऊपर लगवा के हम करते हैं। सो मैं आपको बता दूँ सो पहले से हेयरबैंड लगा लेना गाइस ये फेशियल का हेयरबैंड है आप नॉर्मल हेयरबैंड भी लगा सकते हो। उसके बाद पूरा फेस वाटर से वाइप कर लेना ये मैंने स्पंज से पूरा वाइप कर लिया वाटर पे डिप करके। उसके बाद ये स्क्रब है गाइस ये आयुर्वेदा का कोई फ्रूट स्क्रब है गाइस ये मेरी मॉम का है मैं ये कंपनी का यूज़ नहीं करती। मैं एवर यूज का नॉर्मल सा पैकेट आता है कुछ 10-15-20 रुपीज़ का वो यूज़ करती हूँ। मैं एक एक पैक ला के यूज़ करती हूँ आप देख सकते हो। मैं ऐसे स्क्रब लगा के आईज लिया है गाइस मैंने ये वो ऐसे पूरा पहले फेस पे स्क्रब के ऊपर आईज घुमा लूँगी कि हाथ से मसाज के स्टेप है आप देख लो प्रॉपरली वो करने वाली हूँ। और ये आपको 3 टाइम करना है आपको फेस पे स्क्रब के साथ और ये स्क्रब अभी आप सीधा ये जो स्किन रूटीन है वो 3 मंथ्स के बाद ही करना है गाइस। आपके 3 मंथ तक ऐसा ही ग्लो रहेगा पर आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है और जब भी आपका फेस वॉश यूज़ करो ऐसे ही सेम मसाज करना तो आपका ग्लो का पूरा गारंटी मैं उठाती हूँ। आपको ग्लो कैसे नहीं आएगा एकदम झकास ग्लो आएगा और बहुत सस्ते में। आपको फेशियल में जाके फेशियल या क्लीनअप नहीं करवाना पड़ेगा पार्लर के लिए मैं तो नहीं करवाती हूँ इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने कैसे स्क्रब से पूरे फेस को किया गाइस। ये मैंने स्क्रब कितने बार किया रहेगा बताइए मसाज हार्डली मैंने 20-25 मिनट्स किया है गाइस क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये 6 मंथ के बाद करी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेस डर लग रहा था। इसलिए मैंने अपने दी के शादी में किया था लाइक नवंबर दिसंबर में कुछ किया रहेगा तो तब से लेके मैंने सीधा अभी मई के एंडिंग में करी तो आप देखो ग्लो कितना है मेरा। आपको बिफोर का पिक भी पता है जो कि बहुत ज़्यादा मेरा हेयर ही था गाइस इसके लिए मेरा स्किन डर लग रहा था बट आप देख सकते हो मेरा
मेरा पूरा स्किन रूटीन देखो एकदम रीजनेबल और यूनिक है, क्योंकि ये मैं किसको शेयर नहीं करती थी। आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे इसके लिए बताया। और आप स्टेप देखो आप जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अभी आपको मैं सीधा नेक्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट रहता है गाइस, तो पहले आप अपने को नेक्स्ट से पूरा अपर साइड पुश करो, डबल चिन एकदम ऊपर साइड पुश करो, चिन के तरफ के साइड आप पुश करो पूरा। फिर आपको करना है चिन को प्रॉपरली लाइक नॉर्मली हल्के हाथ से मसाज करना, अपर लिप को भी हल्के हाथ से मसाज करना, और चीक्स को एकदम जितना फोर्स लगा के आप कर सको तो आपको कॉन्ट्रोल वाला आपका फेस पे भी रियल कॉन्ट्रोल वाला जो इफेक्ट है आपको दिखेगा। और फॉरहेड किया है, आईब्रोज किया है, आईज को किया है, नोज को किया है, प्रॉपरली पूरे फेस को मैंने मसाज दिया कि वो प्रॉपरली सर्कुलेशन हो अपना ब्लड का। जैसे कि आप देख सकते हो कि एकदम प्रॉपरली मैंने मसाज कर चुकी हूँ। अपने चीक्स पे आप देख सकते हो कैसे कर रही हूँ मैं, कि लाइक प्रॉपरली जॉ लाइन दिखे, कॉन्टोर दिखे, पूरा फेस ग्लोइंग हो। तो ये है, और ये डबल चिन कम करने का आपको बता रही गाइस, जो कि मैंने ट्राई किया, आपको 2 दिन में रिजल्ट दिखेगा इससे, ठीक है। आपको उधर साइड पे से लाइन आ रहा है ना, ऐसे दिखेगा। तो आपको 3 स्टेप है, तो पहले ऐसे ऐसे करते हैं, लाइक अपर एकदम लाइक पेन होना चाहिए आपको डबल चिन के पार्ट पे, ठीक है, नेक के नीचे, और इधर जॉ पे भी दुखेगा आपको, तो आप प्रॉपर करें समझ जाना। तो फिर ऐसे करके अभी मैं अपने फेस पे आइस लगा रही हूँ गाइस, जो आपको हमने देखा। अभी फटाफट मसाज कर लूँगी प्रॉपरली, जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉपरली आइस लगाऊंगी, फिर थोड़ा मसाज करूँगी, फिर थोड़ा स्क्रबर लूँगी, क्योंकि स्क्रबर मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा था गाइस। तो अभी मैं पहले आइस की इधर कुछ ध्यान नहीं कि वो चेक करने वाली हूँ कि आइस की पार्ट पे संभाल के करना, कि आइस में ना चला जाए वरना आइस रेड हो जाएगी, ठीक है, स्क्रब खाने के बाद। फिर आप देख सकते हो मैंने वापस थोड़ा स्क्रब लेके चिन पे वगैरह किया है गाइस। सब स्टेप्स देख लो, और अभी आपको जैसे कि देखा मैंने हाथ से ऐसे ही करती हूँ गाइस, अगर मैं करती हूँ तो। अभी आपको मशीन से भी बता दूँ, क्योंकि आपको प्रॉमिस किया था मशीन से भी बताऊँगी, तो ये मशीन से कर रही हूँ मैं। अपने चीक्स को अपर साइड पुश करती हूँ ज़्यादा मैं मशीन से, और ये वाइब्रेट होता है गाइस, इसमें मशीन से एक आवाज़ आता है ड्र करके, जैसे कि आपको पता चले। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ गाइस, इसके लिए मैं कभी कभी मशीन से कर लेती हूँ। इसके लिए आप देख सकते हो कि मैं कितना संभाल संभाल के मशीन से कर रही हूँ। ऐसा मेरे मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा छिपचिपा फील होता है क्रीम लेके करती हूँ तब, तो मुझे बहुत ज़्यादा तब चीड़ आया है मेरा नाखून, लाइक नाखून में चला जाएगा क्रीम वगैरह, तो मैं तभी मशीन यूज़ करती हूँ थोड़ा टैप करके ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं हैंकी लिया है, और उसके बीच में मैं पूरा आइस भरने वाली हूँ, 6-7 क्यूब्स मैंने आइस की लगा ली। और प्रॉपरली आप देख सकते हो मैंने फेस पे ऐसे अप्लाई करी, ये आइस से मसाज करूँ मैं अपने स्किन को बेसिकली। ये आपको अगर ब्लैकहेड्स है, मुझे ब्लैकहेड्स नहीं है गाइस स्मूथ के, तो आपको ब्लैकहेड्स है कि तो आप रिमूव कर लेना स्क्रब करने के बाद। और फिर मैं आइस से मसाज करूँ कि जो भी पोर्स ओपन हुए हैं मेरे नोज़ के इधर के, वो क्लोज हो जाए आइस के हेल्प से। और अगर आपने आइस को मसाज दिया 15 मिनट्स पकड़ लो लिप्स पे, तो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा नेचुरली पिंक भी लगेंगे, जो कि मैंने ट्राई किया था और मेरे 2 दिन तक पिंक रहे थे। ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, ठीक है, कि टेम्पररी है, कोई हमने कुछ किया नहीं मैजिक वैजिक, बट ऐसे होता है। उसके बाद मैंने हिमालय का निम्पैक लिया, जो कि पूरे फेस पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मेरा 15-20 मिनट हो चुका है मेरे फेस पे मसाज देखा इसका। मैं जब भी निम्पैक लगाती हूँ गाइस मैं सो जाती हूँ, उसके बाद उठ के आपको बताऊँगी कि कैसा लग रहा है सूखने के बाद, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको निम्पैक नहीं शूट होता तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, उसका पाउडर भी आता है, आप नेचुरली रोज वाटर में डिप करके लगा सकते हो, या फिर वो पैक रेडी में खा सकता है वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड को मेरे निम्पैक शूट नहीं होता इसके लिए गाइस। उसके बाद आप देख सकते हो मेरा ग्लो भर चुका है निम्पैक का यूज़ करने। उसके बाद आपको फेस के हेयर्स किससे मैं रिमूव करती हूँ, मैं कौन सा टूल यूज़ करती हूँ, मशीन वगैरह। सो ये आप देख सकते हो मैं कैसे, लाइक हम देखना मैं कितने ज़्यादा मेरी मूस्टैच थी वगैरह, आप देख सकते हो पिक्चर में मैं कितना निकाल रही हूँ, आपको दिख रहा है कैसे हेयर्स जा रहे मेरे फेस के। मैं जब आप एकदम ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो मेरे पूरा फेस ब्लैक लग रहा था, और अभी रिमूव कर रही हूँ उधर से, तो पूरा आप देख सकते हो मेरे साइड पर कितना हाईलाइट हो रहा है, और ये देखो हेयर्स, ठीक है, आप लोग को नहीं दिख रहा था इसके लिए मैंने हाथ पे लेके बताया कितने छोटे छोटे मेरे फेस पे हेयर्स थे गाइस। ये BI फेदर किंग करके है, ये आईब्रो ट्रिमर है बेसिकली गाइस, पर मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ गाइस, मैं अपने आईब्रोज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक करने, मेरे आईब्रोज का ग्रोथ बिगड़ चुका है, क्योंकि मैंने पार्लर चेंज करवा लिया था, लाइक आंटी चेंज कर ली थी आईब्रोज करने के लिए इसके लिए। सो आप देख सकते हो मेरा बहुत ज़्यादा फॉरहेड करने के बाद आप देख सकते हो मेरा फेस भी हाईलाइट हो रहा है, और उसके बाद मैंने पानी से अपने फेस को वॉश कर लिया गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, और तो थोड़ा घी लिया मैंने, और फेस पे इससे मसाज करने वाले गोवर्धन कंपनी का घी यूज़ होता है हमारे घर पे, सबको कंपनी भी बता दिया, ठीक है, आप कोई भी कंपनी का घी यूज़ कर सकते हो और मसाज कर सकते हो, क्योंकि घी से बहुत ज़्यादा नेचुरल बेनिफिट है अपने स्किन के लिए गाइस। और मैं वैसलीन से फेस को करती थी गाइस लाइक मसाज वगैरह, बट मेरे पास वैसलीन पूरा ख़त्म हो चुका है, आपको बाद में बता दूँ। आप देख सकते हो मैंने आईब्रोज में भी यूज़ किया, लिप्स में भी यूज़ किया गाइस, उससे बहुत ज़्यादा स्किन आपकी
देख लेना ये चीज़ से मसाज करने के बाद, ठीक है। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल, ठीक है। और जो मैं हेयर रिमूविंग का बोली थी गाइस, वो बहुत ज़्यादा संभाल के करना, पहले फेस पे छोटे एरिया पे बैश टच करना कि आपको कोई एलर्जी नहीं हो रहा है करके। अगर एलर्जी नहीं हो रहा है तो ही आप फेस पे हेयर रिमूव करना, वरना आपको पिंपल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, आप मिस्टेक मत करना। और पूरे फेस को आप देख सकते हो मैंने जैसे कि मसाज करी छोटे छोटे हल्के हल्के हाथों से घी से, और काउका घी बहुत ज़्यादा स्किन के लिए बेनिफिशियल है। लाइक गूगल और यूट्यूब करने ना गाइस, इतना सारा बायोडाटा अभी मैं आपको नहीं दे सकती घी के बारे में, सो आप प्लीज़ गूगल कर लेना और उसका जान लेना। और जब तक ये मेरा घी फुल फेस पे अप्लाई नहीं होता है तब तक मैं रुकूंगी गाइस, सो ये पूरा मुझे 4 आवर्स लेगा सूखने के लिए गाइस। तो आप देख सकते हो मेरा कितना फेस ग्लोइंग लग रहा है। ये देखो वैक्सीन गाइस, लॉकडाउन में मुझे वैक्सीन ही नहीं मिला और मेरा वैक्सीन खत्म हो चुका है, सो आप देख सकते हो मेरा घी हो चुका है। और मैंने स्टीम लिया गाइस, ये स्टीम मैंने पे, ये नॉर्मल स्टीमर है जो कि मैं पूरे फेस को स्टीम कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ये स्किन को ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और एकदम नेचुरल ब्लश आता है गाइस आपके स्किन में। आप वर्कआउट करोगे तो पूरा फेस मेरा रेड हो जाता है स्किन केयर के बाद गाइस। तो अगर आपको पसीना आ रहा है तो प्लीज़ सिर्फ टॉवल से टैप करना, बिल्कुल फेस पे पानी मत लगाना, और फैन के बिना रहना। स्टीम 15 मिनट्स लिया ना तो आपको 10 मिनट और फैन के बिना रहना है, क्योंकि वरना मुझे तो ये सारे साइनस भर जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है चीक्स वगैरह पे। तो मैं सजेस्ट करूँगी नो फैन, फेस पे ठंडा वाटर नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे गर्मी में रहना और 10 मिनट। उसके बाद आपको बताऊँगी, मैंने हवा खा चुकी, 10 मिनट हो चुका है। सो उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल लिया जो कि पतंजलि का, पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। और जब भी एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे तो मैं एलोवेरा जेल रात को अप्लाई करती हूँ और फिर सो जाती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट मिलता है। आपको इमेज में दिख रहा है जो आफ्टर वाला इमेज है वो सुबह का इमेज है गाइस, सो आप देख सकते हो मैं अभी सो जाने वाली हूँ गाइस। और अपने मेरा स्किन का ग्लो बता रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो एकदम अलग लेवल पे ग्लो है, आपको पूरा जूम करके बता रही हूँ गाइस, कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है। इमेज इस पे में भी और वीडियो में भी आप देख सकते हो कितना ग्लो दिख रहा है आपको। अगर आपको झूठ लग रहा है तो वीडियो में आपको ग्लो क्या कम दिख रहा है क्या, आप देख लो। सो अभी मैं सो जाऊँगी और आपको उठ के मिलूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैं उठ चुकी हूँ, जैसे कि मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी मैंने पूरा फेस वाटर से वॉश कर लिया है और आप देखो ग्लो एकदम पिंकी पिंकी स्किन और एकदम मेरी लिप्स पिंक हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही पिंकी लग रही है मेरी लिप्स। और मैंने पूरा फेस वाटर से धो के आ चुकी हूँ और आपको बताया गाइस, आप देख रहे हो ग्लो, ये है ग्लो होता है स्किन केयर का, नेचुरल स्किन केयर का, ठीक है। आप देख सकते हो अभी मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर आऊँगी, ब्रश व्रश कर लूँगी और आपको देख सकते हो मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ। और मैंने पूरे फेस पे पहले फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ मैं हमेशा फ्रेश होकर, और लिप बाम लगाती हूँ अपनी लिप्स पे। सो ये होने के बाद आपको आगे का बता दूँ मैं आपको बाद में प्रॉपरली, आप पहले ये अप्लाई कर लेना और थोड़े मिनट रहना। अभी मैं शाम को बताऊँगी क्योंकि फेस को मॉइस्चराइज होने के टाइम लगने वाला है बेसिकली। सो आप देख सकते हो मैंने फुल फेस वॉश कर लिया शाम को, उसके बाद मैंने एवर यूज का गोल्ड पिल ऑफ मास्क लिया गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो देता है आपको, लाइक अभी वेडिंग में जाना है आपको पता चला मॉम का, आप फटाफट 15 मिनट्स 20 मिनट्स रखो और अप्लाई करके निकाल दो, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो देता है। आप देख सकते हो मैंने पूरा वो फेस पे अप्लाई कर चुकी थी और अभी मैंने रिमूव किया, आप ग्लो देख रहे हो गाइस एकदम अलग लेवल पे है गाइस, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने वापस फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है इसे। अभी आपको मैं मेडिकर और पेडिकर बता दूँ, पॉन्स लेना है 1 स्पून, उसके बाद 1 स्पून कोलगेट लेना है, फिर 1 स्पून एलोवेरा जेल लेना है, उसके बाद 1 स्पून कॉफ़ी लेना है कॉफ़ी पाउडर, उसके बाद 2 कैप्सूल विटामिन ई की आपको डालना है और उसको प्रॉपरली मिक्स करके अपने हाथों पे और पाँव पे लगा लेना। और ये आपके होम मेड मेडिकल पेडिकर है ये, और ये सूखने के बाद आपको ब्रश लेना है पानी में डिप डिप करके, ऐसे पूरे हाथ पे इसको ब्रश से आपको वाइप करना है और पूरा मसाज करना है गाइस। आप देख सकते हो पूरा मसाज करके हो चुका है ऑलमोस्ट मेरा, अभी मैं इसे पानी से धो के आने वाली हूँ नॉर्मली, आप देख सकते हो। और अभी मैंने पूरा पोंछ लिया, आप देख सकते हो मेरे हाथ कितने पिंकी पिंकी और ग्लोई लग रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पिंकीस और रेडिस हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मसाज किया था अपने हाथ पे। आपको इतना ज़्यादा ग्लो नहीं लगेगा जितना फेस पे लगा था, हाथ पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है गाइस, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ बहुत ज़्यादा कम लग रहा था, मुझे इतना ज़्यादा ब्राइट इफेक्ट नहीं दिया था बट दिया था उसने इफेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पाँव पे भी अभी सूख चुका है, तो अभी हम ब्रश लेके प्रॉपरली जैसे कि स्क्रबिंग कर रहे हैं वैसे हम करने वाले अपने पूरे लेग पे। और आप देख सकते हो मेरे पाँव पे, एक पाँव पे किया एक पाँव पे नहीं किया, ये